रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है और ये तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यानी रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा, बीटा और गामा जैसी रेज एटम से निकलती हैं जब अस्थिर परमाणु या एटम स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये रेडिएशन एक एटम के न्यूक्लियस से निकलते हैं, उनका व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होता है, हालांकि तीनों कुछ आयनाइजेशन का कारण बनते हैं और इनमें पेनिट्रेशन करने की पावर भी होती है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं अल्फा रेज के बारे में। अल्फा रेज पॉजिटिव रूप से चार्ज होने वाले कण हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। अल्फा रे हाईली एक्टिव और एनर्जेटिक हीलियम एटम है जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका सिंबल ए है यानी अल्फा। 2 प्रोटॉन्स परमाणु के न्यूक्लियर से इन अल्फा रेज को छोड़ा जा सकता है। अल्फा क्षय प्रक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। इन कणों में पेनिट्रेशन पावर और हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर होती है। इनकी उच्च आयनाइजेशन पावर के कारण शरीर में पहुंचने पर वे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कणों का एमिटिंग प्रोटॉन रिच एटम्स में होता है। अल्फा रे को बाद में हीलियम 4 न्यूक्लियर के रूप में पहचाना गया। वे कम दूरी तक कई परमाणुओं को आथनित करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए अल्फा रे एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अल्फा रे सबसे बड़े रे हैं जो एक न्यूक्लियर से अबैंडेंड होते हैं। मुख्य रूप से बहुत कम मात्रा में स्मोक डिटेक्टर जैसे आइटम में ये रेज यूज की जाती हैं। बीटा रेज के बारे में आपको अब कुछ बताते हैं। बीटा रेज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो इंटरनल न्यूक्लियस से मुक्त होते हैं। इनका मास नेग्लिजिबल होता है और चार्ज नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में एक बीटा रे के डेडिकेशन पर डिवाइडेड होता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियर द्वारा तीव्र गति से अबैंडेंड होता है। अल्फा रेज की तुलना में बीटा रेज में एक हाई पेनेट्रेशन पावर होती है और आसानी से त्वचा के अंदर जा सकते हैं। बीटा डीके के दौरान एटम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 से घट जाती है और प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ जाती है। यानी क्षय के इस एडिशन में भी मास नंबर समान रहता है, हालांकि एटमिक नंबर 1 से बढ़ जाती है। इन किरणों का यूज मेडिकल एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि आई डिजीज का इलाज। अब आपको गामा रेज के बारे में कुछ बताते हैं। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हाई फ्रीक्वेंसी वाले बॉर्डर से उत्पन्न होने वाली तरंगों का कोई मॉनिटरी स्टैंडर्ड यानी मास नहीं होता है, जिसे गामा रेज के रूप में जाना जाता है। गामा रेज और एक्सरे में हाई एनर्जी वेव्स होती हैं जो प्रकाश की गति से काफी दूर तक की यात्रा कर सकती हैं और आमतौर पर अन्य सामग्रियों को भेदने की एक महान क्षमता होती है। इसी कारण से गामा किरणों जैसे कोबाल्ट -60 से अक्सर चिकित्सा अनुप्रयोगों में कैंसर का इलाज करने और चिकित्सा उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए उपयोग की जाती है। अन्य सामग्रियों में प्रवेश करने की उनकी क्षमता के बावजूद सामान्य रूप से ना तो गामा रेज और ना ही एक्सरे में कुछ भी रेडियो एक्टिव बनाने की क्षमता होती है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जागरण जोश को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।